हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सातवें चरण में 37,440 शिक्षकों की होगी बहाली। 15 अगस्त तक छठे चरण के 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति खत्म होने के बाद शेड्यूल होगा जारी। 25,270 माध्यमिक शिक्षक होंगे और 12,170 उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर होगी बहाली। वर्ष 2022 तक राज्य के सरकारी विद्यालय में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के खाली सभी पद जो हैं वो भर दिए जाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान के तहत नीतीश सरकार ने इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। फिलहाल छठे चरण की चल रही 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति 15 अगस्त तक सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा कर चुके हैं। अब शिक्षा विभाग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नई नियुक्ति को लेकर अलर्ट मोड में है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी स्पष्ट कर दिया है कि सातवें चरण में 37,440 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें 25,270 माध्यमिक शिक्षक होंगे और 12,170 उच्च माध्यमिक शिक्षक। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गत वर्ष उन पंचायतों में मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया था जहां माध्यमिक विद्यालय नहीं थे। इसी तरह माध्यमिक विद्यालय को प्लस टू स्कूलों में अपग्रेड किया गया था। इन स्कूलों में दिसंबर से पहले बहाली सुनिश्चित की जाएगी। तो जितना भी विद्यालय जो है, जो मिडिल से हाई स्कूल बनाया गया है और हाई स्कूल को अपग्रेड करके प्लस टू बनाया गया है, उन स्कूलों में दिसंबर से पहले बहाली जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो चलिए, गुड न्यूज़ बोल सकते हैं इसको कि जैसे ही छठे चरण का नियुक्ति ख़त्म होता है, सातवें चरण के लिए जारी हो जाएगा, मतलब शेड्यूल वगैरह। ठीक है।